आज हम लोग जो है क्लास फाइव के लिए संस्कृत में 17 चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। विद्याया बुद्धिर उत्तमा, विद्या बुद्धि से उत्तम है ना। कश्चित स्थाने चत्वारो ब्राह्मण कुमारा परस्पर मित्र भावेन बस्ति अस्मा, किसी स्थान में चार ब्राह्मण कुमार परस्पर मित्र भाव से बसते थे। तेषां त्रय शास्त्रेषु प्रांगता परंतु बुद्धि रहिता आसन, उनमें से तीन जो है शास्त्रों में प्रांगत थे परंतु बुद्धि रहिता आसन, परंतु वे बुद्धि उनके पास नहीं थी। एकस्तु बुद्धिमान केवल शास्त्र विमुख, और उसमें से एक जो है बुद्धिमान था केवल शास्त्र विमुख था, शास्त्र की जानकारी उन्हें नहीं थी। एकदाते अचिंतयत, एक बार एक समय वे तीनों जो है वे लोग सोचे, कह गुना विद्यायक ये न देशांतरम गत्वा धनार्जनम न कृत, कि गुण क्या है, विद्या का गुण क्या है कि जिससे कि जो है देशों में जा कर के और धनार्जन नहीं किया जाए, यानी हम लोगों को देश में जा कर के दूसरे देशों में जा कर के और धनार्जन किया जाए। तथा वयम पूर्व देशम चलेम, इसके बाद वे तीनों जो है तीनों कहते हैं सभी माने हम लोग पूर्व देश की ओर चलें, हमें पूर्व देश की ओर चलना चाहिए। तथा कृते मार्ग ज्येष्ठ अवदत, तथा इस प्रकार से करने के उपरांत ज्येष्ठ जो है जो बड़ा था सबसे बोला, अहो अस्माकं कः चतुर्थ शास्त्र विमुख, बोला ज्येष्ठ बोला कि अहो अस्माकं हम लोगों का एक चतुर्थ जो है चौथा ब्राह्मण कुमार जो है वह शास्त्र विमुख है, केवल बुद्धिमान है, शास्त्रों की जानकारी नहीं है पर बुद्धिमान है। न तू धनाधिकम लभते विद्या बिना, कि विद्या के बिना जो है धन अधिक धन जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तथा स गस्तु गृहम, इसलिए वह जो है घर चला जाए। एतस्मात् परम द्वितीय वदत, है ना। अब इस प्रकार से दूसर का जो है उससे जो बड़ा था वो दूसर का बोला, एवं कर्तुम उचितम न भवति, ऐसा करना उचित नहीं होगा। जतः ऐसा अस्माकम चिरमित्रम, ऐसा करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह जो है हम लोगों का पुराना मित्र है। अतएव आगच मित्र, आवो मित्र, इसलिए आवो मित्र अस्मद उपार्जितस्य वितस्य संभागी भविष्यसि, यानी हम लोग वाला तो उपार्जित जो धन होगा दौलत होगा उसका यह सहभागी होगा, हम लोग कमाएंगे उसी का ही सहभागी होगा। तथा ते प्रस्थिताम, अब इसके बाद वे लोग जो है वहाँ से प्रस्थान कर गए। मार्गे त्रय विद्याया प्रशंसा कुर्वन्ती अस्मा, अब मार्ग में वो तीनों जो है विद्या की प्रशंसा कर रहे थे। प्रथमा उक्तवान, जतः विद्या सर्वत्र उत्तमा भवति, क्योंकि विद्या जो है सभी जगह उत्तमा है, उत्तम है। विद्या ही ना पशुवत जीवती, और जिस जो विद्या से हीन है वह जो है पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। द्वितीय बत्ती अस्मा, जतः ज शास्त्राणी न अधीते तस्याद्र कुत्रापि न भवति, और क्योंकि जिसको शास्त्र की जानकारी नहीं है, नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है, उसका जो है आदर कहीं पर भी नहीं होता। तृतीय कथनमा आसी, तीसरे का क्या कथन था, जतः ते विद्याय प्रसन्ति ते एवा मूर्खा, और इसमें जो है ये लोग तो बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे तो अब जो प्रशंसा नहीं करता है वो क्या है, मूर्ख है, वे ही मूर्ख है। चतुर्थ सुबुद्धि सर्वम श्रुत्वापि मौनम आचरितवान, और चौथा जो ब्राह्मण कुमार था वह जो है सुबुद्धि जिसका नाम था वह सभी बातों को सुनते हुए मौन का आचरण किया। ते एकस्मिन बने मृत सिंहस्य अस्थिनी दृष्टवंत,
अब इसके बाद जो है क्या होता है, देखो वे लोग एक जंगल में मृत सिंह की हड्डियों को देखा। तदा प्रथम अवदत, उसमें से पहला बोला, अहो अद्य विद्याय परीक्षा कर्तव्या, आज जो है बड़ा भाग्य है, अहो आज विद्या की परीक्षा हम लोगों को करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। अयम सिंह मृत तिष्ठते, यह सिंह जो है मृत है, अस्मे सिंहाय जीवन दानम दाप्तव्यम, कि इस सिंह को हम लोग जीवन दान देंगे, यानी जीव प्रदान कर देंगे। इति उक्त्वा स सिंहस्य अस्थिनि संयोजितवान, और हाँ उसको मैं हड्डियों को क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ, संयोजित किया है ना। द्वितीय तेसु चर्म मासम रुधिर संयोजित कहती है, और उसमें से दूसरा जो था वो क्या किया कि चमड़ा मांस और खून को संयोजित किया, प्रवाहित किया कहो। इति त्वा स सिंहस्य अस्थिनि संयोजितवान, द्वितीय तेसु चर्म मास रुधिरम संयोजित, तृतीय जावत जीवनम संचारितुम उद्यत तावत चतुर्थ सुबुद्धि ऊंचे अपत्यान। अब तिसरका जैसे ही जो है उसमें संचार यानी प्राण डालने के लिए उद्धत हुआ, तैयार हुआ, तावत हिम चतुर्था, क्यों ही जो है जो चौथा जो ब्राह्मण कुमार था जिसका नाम था सुबुद्धि, ऊंचे कथ्य जोरों से कहा, भो मित्र तिष्ठ तू, रुके ओ मित्र रुको, ऐसा सिंह या सिंह है, यदि ऐसा जीवती तरही सर्वे वयम मृत्यु मुखे गमिष्यामः, और यह जो है अगर जीव संचार अगर डाल दिया, प्राण का संचार कर दिया और जीवित हो गया तो सभी हम लोग जो है उसके मुख में चले जाएंगे। ततः तृतीय बदत, इसके बाद तिसरका बोलता है, तिसरका ब्राह्मण कुमार बोलता है, देख मूर्ख धिकार है मूर्ख, अहम विद्याया निष्फला न करिष्यामि, मैं हमारे पास जो विद्या है अपनी विद्या को मैं निष्फल नहीं करूँगा। सुबुद्धि अबदत, तो सुबुद्धि बोलता है फिर, यदि एवं तदा, यदि ऐसा है दादा क्षणम तिष्ठा जावत अहम वृक्षम, और ऐसा कह करके दादा कि थोड़ा सा रुको, जब तक मैं वृक्ष में न आरोहामी नहीं चढ़ता हूँ, अतः परम जावत ही इस प्रकार से वह जयो ही सिंह को सजीव किया, तावत उत्थाय सहतान त्रीन अपि कुमारन हत्वान, अब इस प्रकार से वह सिंह जो है सो उठ करके वो तीनों राजकुमारों को का किया, मार डाला। शास्त्र विमुखम बुद्धि दीक्षा तो गृह घटा, अब इस प्रकार से जो शास्त्र के विमुख सुबुद्धि जो था नामक ब्राह्मण था वह वृक्ष से उतर करके और अपने घर को चला गया। बरम बुद्धि नासा विद्या, श्रेष्ठ बुद्धि है ना वह विद्या, विद्या बुद्धि उत्तमा, और विद्या से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि ही ना विनश्यति, और बुद्धि जो से जो हीन है उनका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है यथार्थ सिंहकार का, जिस प्रकार से वे ब्राह्मण कुमार सिंह को बनाने वाले, सिंह को जीवित करने वाले। धन्यवाद बच्चों, और आज जो है आप लोग विद्या शब्द इसके चैप्टर 17 का जो है विद्यार विद्याया उत्तरमा को जो है हम लोग जो है क्या करेंगे कि ये शब्द संग्रह है, इसको जो है कॉपी में जो है अच्छी तरह से लिख लेंगे, और कोशिश करेंगे आगे जो हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पर आगे जो है हम बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। जितना तक बन सके आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, नहीं तो अगले दिन मैं आप लोग को इसको बना दूंगा और लोग कॉपी में लिख लेंगे, लेकिन कम से कम इसको आप लोग बार बार ज़रूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पर जो है आप इसको देखिएगा, आपको जो शब्द संग्रह है वर्ड लिस्ट जो है उसको आप लोग देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।